वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल सिग्नलिंग के बारे में। चाहे कैसी भी आपकी सिग्नलिंग हो रही हो और कहीं पर भी हो रही हो, बॉडी किसी पार्ट में हो रही हो, वो आपकी जो आप आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल सिग्नलिंग में, इसी में से किसी ना किसी कैटेगरी में आपकी फॉल हो जाएगी या उसके अंडर आती है। एग्जाम्पल लें, जैसे आपका सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं प्रीसिनेप्टिक और पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन्स का, कि जैसे आपका प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन से एसिटाइलकोलाइन निकलता है, पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन्स पे उसके रिसेप्टर हैं, तो वो आपकी किस तरह की सिग्नलिंग है, उसे हम किस तरह की सिग्नलिंग कहते हैं। अभी तक हम देख रहे थे लाइगेंड क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, रिस्पॉन्स कैसे आता है, वो सब देखा था। लेकिन इन सारी सिग्नलिंग को सेल लाइगेंड, जो आपका मैं कहूँ लाइगेंड, रिसेप्टर और रिस्पॉन्स, एक पूरे को हमने टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो उन टाइप्स की सिग्नलिंग के अंडर ही सब कुछ ही आपका हो रहा है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल सिग्नलिंग में आप देखेंगे, सबसे पहला है आपका एंडोक्राइन सिग्नलिंग, फिर है आपका पैराक्राइन, फिर ऑटोक्राइन और फिर जक्साक्राइन। ये आपका कुछ सिग्नलिंग के टाइप है। तो इसमें आप इसको याद कर सकते हैं या कैसे भी आप मेमोराइज कर सकते हैं, एक तो इसके डिस्टेंस के बेस पे, दूसरा आप कर सकते हैं कि ये किस तरह से आपका काम कर रहा है, उसका वर्किंग एक्शन क्या है उस बेस पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग की। तो एंडोक्राइन में आप एक चीज हमेशा पढ़ते हैं कि आपने एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोन का जो आप रोल है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपके एंडोक्राइन सेल्स हैं, यानी जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, वो आपके ब्लड में रिलीज करते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन की बात हो रही है, एक्सोक्राइन की बात नहीं हो रही है। तो ब्लड में रिलीज करते हैं और कहीं दूर उसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है या FSH, LH जो है आपके फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, तो वो कहाँ जाके आपके ओवरी में काम करते हैं, या टेस्टोस्टेरोन हो रहा है तो कहाँ आपका टेस्टिस में जाके काम करते हैं। तो एक लंबी प्रोसेस है कि रिलीज आपके कहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन निकल रहे हैं, तो और काम कहाँ कर रहे हैं। तो ये आपका एक है कि बहुत दूर इनका रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो इनको लॉन्ग ट्रेवल करना पड़ता है और ये जाते कहाँ है, ब्लड के थ्रू आपका ट्रेवल करते हैं। तो यही था आपका एंडोक्राइन सेल्स ने रिलीज किया, ये आपके रिसेप्टर है दूर। इन दिस लाइगेंड इज रिलीज बाय द एंडोक्राइन सेल इन द ब्लड स्ट्रीम। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्लड स्ट्रीम में जो है रिलीज होते हैं और यही आप इसको आगे लेके जाते हैं। इंसुलिन का एग्जाम्पल देखेंगे, पेनक्रियास से रिलीज होता है और काम कहाँ करता है, आपका मसल सेल्स पे, स्केलेटल मसल्स पे। तो यही चीजें हैं आपकी इंपॉर्टेंट है। दे प्रोड्यूस रिस्पॉन्स इन द डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट सेल्स, और जो स्पीड है सिग्नलिंग की वो आपकी बहुत फास्ट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दूर है लेकिन स्पीड फास्ट है। करें तो इसमें जो लाइगेंड की एफिनिटी है रिसेप्टर के लिए, वो भी आपकी जो है वो बहुत ज्यादा है, तो हाई एफिनिटी फॉर द लाइगेंड, वहीं जाके बाइंड होता है, कोई और बाइंड नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें एग्जांपल की, इंसुलिन प्रोड्यूस बाय द पेनक्रियास एक्ट ऑन द मसल्स। तो ये एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो मैंने आपको पहले बताया है। तो यहाँ पर दो एग्जांपल हमने देखे थे, टेस्टोस्टेरोन, LSH, FSH और इंसुलिन का। बहुत सारे एग्जांपल्स और हैं हार्मोन्स के जो आपका काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग की। तो एंडोक्राइन को तो आप याद रख लेंगे कि हार्मोन से आपका रिलेटेड है, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है। पैराक्राइन में आपको पैरा से याद रखना है, पैरा सिंपथेटिक और सिंपथेटिक सिस्टम, कि आपका किस तरह से काम करते हैं, जो इनका यानी रिलीज होता है एसिटाइलकोलाइन का, एडलिन का, दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, तो वो जो है आपका इसी पैराक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू काम करते हैं। तो पैरा सिंपथेटिक और सिंपथेटिक से आपको याद रह जाएगा, तो एक ट्रिक भी है पैरा को लेकर। तो प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स से आपका रिलीज होता है, चाहे यहां पर आप एसिटाइलकोलाइन लगाए, चाहे यहाँ पर आप एडलिन लगाएं, नॉन एडलिन लगाएं, वो आपके यहीं से रिलीज होते हैं। और ये बीच में गैप होता है आपका, जैसे हम साइनेटिक क्लेफ्ट कहते हैं, कुछ आई थिंक एंगस्ट्रोम में इसकी जो है ये गैप होता है, इतना बड़ा नहीं होता है, 10^-10 में कुछ जो है इसकी कुछ ये जो है ये गैप होता है। और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पर जो यहाँ से ये मान लेते हैं एसिटाइलकोलाइन निकला है, तो यहाँ पर इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका पैराक्राइन सिग्नलिंग में होता है, जो कि स्पेशली आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स में देखा जाता है। पिछले वीडियोस में मैंने न्यूरोट्रांसमीटर्स के एग्जांपल दिए थे, CNS, ANS, जो दोनों में प्रेजेंट है। तो यही होता है आपका
कि प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन से निकला पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन पे बाइंड कर गया। अब यहां पर क्या है जो आप देखेंगे एग्जांपल्स, ये आपका होता है सिर्फ नेबरिंग और एडजेसेंट सेल्स में, क्या आपका सिग्नलिंग ट्रांसफर करने के लिए होता है और स्पेशली आपका न्यूरोट्रांसमीटर में ये टाइप की सिग्नलिंग होती है। एसिटाइलकोलिन एड्रेनालिन का मैंने एग्जांपल दिया है, तो बहुत सारे हो सकते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो इसी तरह से आपके रिलीज होते हैं और इसी तरह से आपकी उनकी सिग्नलिंग चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑटोक्राइन की। तो ऑटो का मतलब आपको पता है सेल्फ, कि खुद से ही सब कुछ हो रहा है। इसमें आपका लाइगेंड भी एक ही सेल रिलीज कर रहा है और उसका रिसेप्टर भी उसी सेल पे प्रेजेंट है, तो यही चीज है। इसका मतलब आप ये लगा सकते हैं कि खुद पे ही काम कर रहा है, खुद ही रिलीज कर रहा है, खुद पे ही जो है बाद में अफेक्ट आ रहा है। तो इसमें आप देखेंगे ये सेल है, कोई भी सेल मान लेते हैं हम इसे ए सेल मान लेते हैं, इसने ये आपका लाइगेंड निकाला और ये इसका रिसेप्टर है इसी सेल पर। ऐसा मोस्टली होता है आपकी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस में, और जब आप हिस्टामिन में देखते हैं हिस्टामिन भी खुद पे ही काम करता है, यानी जहां से रिलीज हुआ है वहां पर भी काम करता है, दूसरी जगह पे भी करता है, लेकिन खुद जहां से रिलीज हुआ है जिन सेल्स से रिलीज हुआ है वहां पर भी काम करता है, तो हिस्टामिन इसका एक एग्जांपल है। बोथ द लिगेंड्स एंड रिसेप्टर प्रोड्यूस बाय द सेम सेल, तो ये हमारा ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होती है। ये जब काम करते हैं तो इनमें क्या होता है, जैसे आप फीडबैक मैकेनिज्म में देखते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाना है घटाना है, तो इस तरह के आपके काम जो है वो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में ज्यादा होते हैं, कि खुद ही रिसेप्टर पे काम किया और खुद ने ही लाइगेंड रिलीज किया और खुद अपने ही सेल के रिसेप्टर पे आके बाइंड हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे ड्यूरी एक्टिवेशन ऑफ टी सेल प्रोडक्शन, जो आपका IL-2 रिलीज होता है वो आपका IL-2 पे ही एक्सप्रेस कर जाता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग की। ये आपका होता है बिल्कुल सेल जो अटैच है, जैसे एपिथेलियल सेल्स आप देखते हैं बिल्कुल अटैच है, उन केसेस में ये ज्यादा होता है। इसमें आपका सेल टू सेल कम्युनिकेशन है, सेल टू ECM, ECM क्या है आपका एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, इस टाइप की कम्युनिकेशन होती है। प्लांट्स में आप देखते हैं तो आपको ऐसा ये प्लाज्मो डेस्मेटा टाइप का ये बना हुआ मिलता है, जिससे आपके लिपिड्स प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट एक सेल से दूसरे सेल में चले जाते हैं आ जाते हैं, तो ये आपका कुछ होता है इसमें सेल टू सेल में जिसमें आप देख रहे हैं। तो इन प्लांट्स प्लाज्मो डेस्मेटा और एक डेल्टा नोच पाथवे, ये सिग्नलिंग होती है ह्यूमंस में, तो इसको हम देखेंगे। तो ये डिवाइड था आपका कि काम कैसे कर रहा है, आप एक दूसरे तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं इसको। ये आप देखेंगे सबसे ज्यादा दूर की सिग्नलिंग है, आप इस तरह से इसको क्लासिफाई करेंगे तो आपको याद रहेगा कि सबसे ज्यादा दूर की सिग्नलिंग है, लिगैंड कहीं से रिलीज हो रहा है बाइंड कहीं और हो रहा है। सेकंड में देखेंगे पैराक्लाइमस, तो एडजेसेंट सेल्स में है आपका, एडजेसेंट सेल में है यानी थोड़ा डिफरेंस है। उसके बाद आप थर्ड पे डिवाइड करेंगे तो जक्स्टाक्राइन है कि पास पास यानी कंबाइन है सेल, जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ उसमें है। फोर्थ में देखेंगे तो आप ऑटोक्राइन सिग्नलिंग है कि खुद पर ही सब कुछ हो रहा है। तो अगर आप डिस्टेंस के बेस पे क्लासिफाई करेंगे तो एंडोक्राइन पैराक्राइन जक्स्टाक्राइन और लास्ट में आपका आ जाएगा ऑटोक्राइन। तो इस तरह से डिफरेंशिएट आप क्लासिफाई याद कर सकते हैं क्लासिफिकेशन को। तो ये चार टाइप से सिग्नलिंग होती है, जिसमें आप कुछ कोई भी टाइप की सिग्नलिंग पढ़े वो इनके अंडर आके फॉल कर जाती है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।